welcome to the channel and welcome to another video. So today I've created this makeup look right here, which is brown eye makeup. So guys, agar ye video aapko pasand aa jaye to don't forget to hit the like button, subscribe kar dijiyega, bell icon ko press kar dijiyega so that you get notified whenever I upload video. और मैं इंस्टाग्राम पे भी काफी कंटेंट पोस्ट करती हूँ, सो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, फॉलो मी देयर एज वेल. आई थिंक बिना देर करे चलो शुरू करते हैं. सो गाइस, मैंने यहाँ पे कर लिया अपनी स्किन प्रेप और मैंने मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लिया. अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लोटस का इको स्टे प्राइमर, और ये प्राइमर काफ़ी ज़्यादा सिलिकॉनी है, तो अगर आपके लार्ज पोर्स वगैरह हैं तो ये बहुत अच्छे से फिल इन कर देगा. और आप देख सकते हैं कि मेरा स्किन एकदम ही मैट लगने लग गया है इसको लगाते ही. एंड इसको मैं अच्छे से उन एरियाज में लगा लूँगी जहाँ पे मुझे स्मूथ स्किन चाहिए. फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया लॉरियल इनफॉलिबल का फाउंडेशन, एंड आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन बिकॉज दिस इज़ फुल कवरेज. इसको मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने स्किन में डैब इन करके. एंड आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है इस जगह पे. आप एकदम अच्छे से इसे ब्लेंड कर लीजिए और आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस लगेगी जब आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. एंड चलो अभी नेक्स्ट बारी है कंसीलर की, और कंसीलर मैं थोड़ा लाइट शेड में लगा रही हूँ. दिस इज बाय NYX और ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है फॉर हाइलाइटिंग पर्पस. तो यूजुअली मैं जहाँ पे हाईलाइट करती हूँ वहाँ पे लगा लूँगी, जैसे फोर हेड, चिन एरिया एंड अंडर आइज. और इसे भी मैं एक अच्छे डैम्प ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, और ये इतना स्मूथ है ब्लेंड करने के लिए, आप देखिए फट से हो गया. नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिटमे की तरफ से लूज पाउडर, और इस लूज पाउडर को मैं अंडर आई में अच्छे से सेट करूँगी. और ये बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छे से सेट कर देते हैं अपने अंडर आई को. सो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट. गाइज, मैं यहाँ पे आपको आईब्रो प्रोडक्ट दिखाना भूल गई. मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ वो पैक के तरफ से आईब्रो क्रीम यूज़ कर रही हूँ, एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और आप ये लगा के अच्छे से स्पूली से सेट कर लीजिए आईब्रोज को, एंड उससे प्रोडक्ट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ आई शेडो. दिस इज़ बाय वेट एंड वाइल्ड एंड इट हैज़ लवली कलर्स. यहाँ पे मैं ये ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ जो हल्का सा मस्टर्ड येलो एंड थोड़ा डार्कर शेड में है, और इसे अपने यू नो क्रीज लाइन के ऊपर एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई करूँगी. और इसका पिगमेंटेशन बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो रहा है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ हल्का सा ऑरेंज शेड, और इस ऑरेंज शेड को लेकर मैं अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी जहाँ पे मैंने ट्रांजिशन शेड अप्लाई करा है. वहाँ पे ही मैं एकदम अच्छे से अप्लाई करूँगी. और यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज, रस्टी ऑरेंज शेड, एंड ये वाला मैं अपने प्रॉपर क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी. और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो गया. मैं ले रही हूँ डार्क ब्राउन शेड, और इस डार्क ब्राउन शेड को अपने यू नो जहाँ पे लाइनर हम लगाते हैं उस जगह पे अप्लाई करेंगे और ब्लेंड कर लेंगे सारे कलर्स के साथ. आप देख सकते हैं कितना प्यारा ट्रांजिशनिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ है. यहाँ पे मैं ऑरेंज और ब्राउन शेड को मिला के अपने लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा आई शेडो एकदम यू नो ये लगे, ब्लेंडेड लगे. और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आई लैशेज को कर्ल अच्छे से, और बहुत फ़र्क पड़ता है कर्ल करने से, आप देख सकते हैं मेरे दोनों आइज़ में. एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लॉरियल लैश पैराडाइज का मस्कारा. दिस मस्कारा इज अमेजिंग. आपको फॉल्स लैशेज लगाने की जरूरत नहीं है, और मैंने इस वीडियो में फॉल्स लैशेज नहीं लगाई हैं, बट आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना अमेजिंग है. और यहाँ पे मैंने लिया है मेबेलिन की तरफ से कॉलोसल काजल अपने वाटर लाइन को लाइन करने के लिए, एंड देन मैं नीचे आईज लैशेज पे भी सेम मस्कारा अप्लाई करूंगी. सो आप देख सकते हैं मेरे दोनों आई में डिफरेंस. और यहाँ पे मैं फट से दूसरी आई भी कर लूंगी, एंड देखा क्या मस्त मैजिक करती हूँ मैं. जस्ट किडिंग गाइस. मैं यहाँ पे शुगर का ब्रॉन्जर अप्लाई करूँगी गाइज, जहाँ पे मैं ब्रॉन्जिंग करती हूँ मेरे चीक्स पे, जॉ लाइन को एनहांस करूँगी, नोज पे कर लूँगी. एंड इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, आप देख सकते हैं जो भी हमारे डायमेंशंस खो जाते हैं वो वापस आ जाते हैं. और नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँ ब्लश. दिस इज़ बाय ब्रांड मोडा, और इस ब्लश को अप्लाई करूँगी. बहुत ही लाइट ब्लश है इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है. एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँ लिपस्टिक. दिस इज़ अ ब्राउन लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक मैं अप्लाई करूँगी. ये क्रेम लिपस्टिक है, एकदम मैट नहीं है, तो इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे. एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की तरफ से हाइलाइटर. ओ माय गॉड, दिस हाइलाइटर इज़ बॉम गाइज. आप देख सकते हैं कितना मस्त शाइन कर रहा है, और बहुत सुंदर लग रही है स्किन इस हाइलाइटर को लगाने के बाद. यू गाइस कैन सी, और मैं जहाँ पे यूजुअली हाईलाइट करती हूँ फोर हेड, इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज एंड चिन एरिया, सब जगह हाईलाइट करूँगी. एंड उसके बाद मैं अपना पूरे मेकअप को सेट करूँगी फेसेस कैनाडा के मेकअप सेटिंग स्प्रे से.
एंड इससे मैं अच्छे से नहा लूंगी आई टेक के शॉवर। उसके बाद मैं ये स्पंज के हेल्प से पूरे मेकअप सेटिंग स्प्रे को अच्छे से अपने स्किन में घुसा दूंगी। एंड गाइस यू कैन सी कितना अमेजिंग फ्लॉलेस मेकअप लग रहा है। एंड ब्राउन गर्ल्स भी ब्राउन मेकअप को कैरी कर सकती हैं और काफी एनहांस कर रहे हैं मेकअप। सो यू कैन ऑल्सो सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। और अगर पसंद आया आपने लाइक किया है कि नहीं किया, अगर अच्छा लगा हो तो ही लाइक करिएगा। और या इसी के साथ हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।